दोस्तों, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। इन सभी ग्रहों में कुछ न कुछ रहस्य छिपे हुए हैं। इन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह शुक्र भी है। आज के इस वीडियो में हम आपको शुक्र ग्रह के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले नेब्यूला, जो कि गैस और धूल का एक बादल था, उसमें विस्फोट हुआ, जिसके कारण हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। नेब्यूला में विस्फोट होने के बाद उस समय गैस, पत्थर और धूल ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते एक जगह जमा होने लगे और एक दूसरे से जुड़ गए। इसी कड़ी में जन्म हुआ वीनस प्लैनेट का, जिसे हम भारत में शुक्र ग्रह कहते हैं। इसी प्लैनेट के निर्माण में गैस की मात्रा कम थी और पत्थरों की मात्रा ज्यादा थी, इसलिए यह ग्रह एक स्थलीय ग्रह बना। शुक्र ग्रह की सूर्य से दूरी लगभग 10,80,00,000 किलोमीटर है। शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। इस ग्रह का द्रव्यमान और व्यास पृथ्वी के द्रव्यमान तथा व्यास के लगभग बराबर है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 4 करोड़ किलोमीटर है। शुक्र ग्रह का आकार गोल है। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 225 दिनों में पूरा कर लेता है, जिसे वेनसियन ईयर भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह अपने एक्सिस पर एक चक्कर 243 दिनों में पूरा करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा धीमा है। ऐसा माना जाता है कि अरबों साल पहले इस ग्रह से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड टकरा गया था, जिसके कारण यह ग्रह उल्टी दिशा में घूमने लगा और इसका स्पीड भी बहुत कम हो गया। शुक्र ग्रह के घूर्णन की दिशा उल्टी है। शुक्र ग्रह और यूरेनस ग्रह दोनों ही ग्रहों की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है, जबकि अन्य ग्रहों की घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। शुक्र ग्रह अपने एक्सिस पर केवल 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है। इसी कारण से शुक्र को अपने एक्सिस पर एक बार घूमने में 243 दिन लग जाते हैं, और यही कारण है कि शुक्र का एक दिन उसके एक साल से भी बड़ा होता है। दोस्तों, हमारे पृथ्वी का एक अपना उपग्रह चांद है, लेकिन शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है, उसी तरह शुक्र ग्रह पर सूर्य का प्रकाश 6 मिनट में ही पहुंच जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शुक्र ग्रह का वातावरण पहले पृथ्वी के तरह ही ठंडा था, लेकिन अधिक ताप के कारण यहाँ का पानी वाष्प बनकर उड़ गया तथा इसकी सतह बहुत ही ज्यादा गर्म हो गई। दोस्तों, जिस तरह पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, उसी प्रकार शुक्र ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत मैक्सवेल माउंटेस है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 8.8 किलोमीटर है। शुक्र ग्रह के सतह पर 1,000 से भी ज्यादा ज्वालामुखी के केंद्र हैं। शुक्र ग्रह से हम पृथ्वी और सूर्य को नहीं देख सकते, क्योंकि इसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड से बने मोटे बादलों की परतों से घिरा हुआ है। इन बादलों के बीच में से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं। इन्हीं बादलों की वजह से शुक्र ग्रह की सतह देखी नहीं जा सकती। ये मोटे बादल की परतें सूर्य के करीब 70% प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। इसलिए शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। अधिक चमकीला होने के कारण शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की सतह से दिन के समय भी देख सकते हैं। शुक्र ग्रह की सतह पर 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा 3.4% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। शुक्र ग्रह पर मौजूद यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य से आने वाली गर्मी को अंदर कैद कर लेता है, जिसे हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसके कारण शुक्र ग्रह के सतह का तापमान करीब 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि शुक्र ग्रह वायुमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड अधिक मात्रा में होने के कारण वहां पर एसिड रेन भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। इस ग्रह पर दिन और रात दोनों समय तापमान लगभग एक ही समान रहता है। दोस्तों,
ऐसा माना जाता है कि शुक्र ग्रह की सेंट्रल कोर आयरन से बनी हुई है और बीच का जो भाग है वो पत्थरों से बना हुआ है, जबकि ऊपरी सतह सिलिकेट से बनी हुई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि शुक्र ग्रह से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।